खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट। आज के दौर में अगर डॉक्टर ने कह दिया हो कि आपको मेडिकल चेकअप की आवश्यकता है तो आम आदमी का पसीना छूट जाता है। पैथोलॉजी के हर टेस्ट काफ़ी महंगे होते हैं, पर मुंबई के बोरीवली में मानव आरोग्य सेवा केंद्र ने काफ़ी किफ़ायती दामों में टेस्ट इत्यादि सेवा शुरू कर दी है। अब तक मुंबई में यह तीसरी लैब ओपन हो गई है और उनका लक्ष्य है 20 लैब का। इस लैब का उद्घाटन विधायक प्रकाश सुर्वे के हाथों संपन्न हुआ। तो आइए आपको ले चलते हैं यहाँ और जानते हैं मानव आरोग्य सेवा केंद्र के बारे में। विधायक के साथ डॉक्टर जैन और अन्य लोगों से क्या कुछ कहना है उनका। हमारे दोस्त है, हमको पता है। हाँ। ये हमारे इसके लिए दोस्त है, गरीबों को बहुत मदद करते हैं। हाँ। आजकल डॉक्टर बोला तो डर जाते हैं लोग। पहले डॉक्टर को भगवान माना जाता था, आजकल हॉस्पिटल जाने से लोग डरते हैं कि कितना बिल बनेगा, कितनी बड़ी चिट्ठी बनेगी, उसका कोई पता नहीं है। लेकिन ये ऐसे डॉक्टर हैं जो गरीब, नीचे स्तर का गरीब है, उनको मदद करते हैं। 1500 में पूरा बॉडी चेकअप, आप लीला तुम्हें जाओ 10000 रुपये लेते हैं, यहाँ 1500 में पूरा बॉडी चेकअप के साथ दवाया 7 दिन की फ्री में देने का काम अगर कोई करता है तो डॉक्टर नरेंद्र जैन करता है। थैंक यू। इसके हम बड़ा उठते हैं। आपने बताया कि नरेंद्र जैन जी का ये तीसरा है, दूसरा नहीं है, मतलब आपको पूरी जानकारी है कि एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा काम करने के लिए हम पॉलिटिक्स वाले पहले जानकारी रखते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा गरीब लोग आते हैं। अब गरीब की सेवा कहीं होगी तो डॉक्टर नरेंद्र जैन के पास होगा, हमको पता है। इसके लिए हमको उनकी पूरी जानकारी है और हर जगह वो जहाँ जहाँ भी उन्होंने खोली है वहाँ गरीबों को ही ज़्यादा चांस देते हैं। पैसे वाले के लिए वो सेवा भाव का काम करते हैं, वो लूटने का काम नहीं करते। इसके लिए इनके बहुत दीर्घायुष्य लाभ हो, ऐसे में भगवान से प्रार्थना करूँगा। और 3 नई ऐसे बम्बई में हर शाखा में उनका एक हॉस्पिटल बने ताकि गरीबों को सेवा मिले। थैंक यू। कार्य करने में आपका भी अगर सहयोग चाहिए होता है तो आप कितना? जहाँ मिलेगा सर, आरोग्य मंत्री हमारे, कभी भी उनको कुछ काम है महाराष्ट्र शासन में, दो मंत्री ये भी हमारे शासन के सदस्य, सरकार हमारा है, मुख्यमंत्री हमारा है, उनको जो मदद लगे, अच्छा काम करने के लिए पीछे शिवसेना डट के खड़े है, हमारी माँ विकास डट के खड़े। ये ऐसा है कि हमारे माता पिता वो हमारा इंस्पिरेशन रहे हैं हमेशा के लिए। उन्होंने हमेशा अपने ज़िंदगी में डॉक्टर होने के बाद में मुझे बार बार उन्होंने प्रोत्साहित किया था कि आपने ज़िंदगी में समाज की सेवा में बहुत योगदान देना है। तो उनके संस्कार जो हमारे अंदर आए हैं और उससे प्रभावित होते हुए हमने ये मानव आरोग्य सेवा केंद्र नाम की संस्था गरीबों के लिए तीसरा हमारी ब्रांच आज ओपन करने की हमें उनसे प्रोत्साहन मिला है। तो जिस तरह से लोगों को हॉस्पिटल जाना होता है, जो उन्हें बड़े बड़े हॉस्पिटल में बड़ा अमाउंट देकर फैसिलिटी मिलती है, क्या वो सब फैसिलिटी यहाँ पर इस हॉस्पिटल्स में लोगों को मिल पाएगी? आज के जमाने में आप कोई भी विदेश की हॉस्पिटल को कंपेयर करिए, हमारे पास में उस तरीके की सुविधाएँ उपलब्ध है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को आप कंपेयर कर सकते हैं। और ये सारी सुविधाएं हमने गरीबों के लिए बड़ी कम, एकदम कम रेट्स में उपलब्ध करके दी हुई है। यहाँ पे हमारे पास में पैथोलॉजी, एक्सरे, सोनोग्राफी, 2D एको, कलर डॉपलर्स, मैमोग्राफी, ECG, थ्रेडमिल टेस्ट, अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाई हुई है। डेंटल एक्सरेस जो OPC के नाम से जाना जाता है, ये सारी सुविधाएं हम लोग ने बहुत उचित दाम में यहाँ पे उपलब्ध करवा के दी हुई है। तो किस तरह की, क्या उन्हें, जिससे गरीब है अगर उन्हें नहीं अफोर्ड कर सकते इतने पैसे, तो उनके लिए किस तरह की यहाँ पर, उनके लिए किस तरह से और इस हॉस्पिटल में सेवा मिल पाती है? हाँ, देखो, गरीब है और बिल्कुल अपने वंचित है, और ऐसे लोगों से जहाँ पे हमने एक अलग विंग चालू किया हुआ है, बिल्कुल निशुल्क सुविधाएं उपलब्ध करवा के देने की व्यवस्था हमने की हुई है। बट उसके लिए उनको गरीबी की बिल्कुल प्रूफ हमें उपलब्ध करवा के देनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये सुविधा उनको उपलब्ध रहेगी। वरना सर्व पब्लिक के लिए हमने जो दाम रखा हुआ है वो बिल्कुल अफोर्डेबल और बहुत लोएस्ट
प्राइस कंपेरेटिवली हमने यहाँ पे रखी हुई है। तो आपकी जो एक सोच है लोगों के लिए कि लोगों को, आप एक डॉक्टर होते हुए, एक माँ बाप, जैसे आपने बताया कि अपने के मम्मी पापा का आप पे आशीर्वाद है और उनका एक संस्कार है जिसकी वजह से आप इस तरह से सोचते हैं, तो जब आप इस तरह के कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो कहीं कभी कोई रिक्वायरमेंट भी आई है क्योंकि आप लोगों की सेवा में कार्य कर रहे हैं? देखिए, हमने हमेशा यही सोचा हुआ है कि कुछ कमाने के बाद में वापस समाज के लिए हम करके उसको रिवर्स में समाज के लिए उपलब्ध करके देने की हमेशा हमारी सोच रही हुई है। हमने 50 साल की उम्र तक हमने कमाया, खूब कमाया, बस 50 के बाद में हमने सोचा कि जो भी उम्र हमारी बाकी रह गई है हम समाज सेवा के लिए इस सुविधा को उपलब्ध करके देंगे। इस सोच विचार के साथ में मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ। ये मेरी तीसरी ब्रांच है। आपके डॉक्टरों की यूनिट कैसी है यहाँ पर, कितना ध्यान है, किस तरह के कहाँ-कहाँ से डॉक्टर होंगे यहाँ पर? हमारे पास में 20 से 22 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो मेरे साथ में पहले से जुड़े हुए हैं। उनको हमने एनकरेज किया हुआ है कि भाई आप कमाते हैं वो बात बहुत सही है और कमाने के अनेक मौके मिलते हैं, समाज सेवा के भी थोड़े मौके आप निकाल लीजिए अपने समय के अंदर, और इस तरह वो सारे के सारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और समाज सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। तो मीरा रोड बोरीवली इसी तरह आगे किस तरह से ये तीन के क्रम को आगे भी इस सेवा को लोग और भी आगे, मेरा विचार है और मेरी सोच है कि हम कम से कम 20 ऐसे सेंटर्स उपलब्ध करें बॉम्बे में जहाँ पे गरीबों की बस्ती बहुत ज़्यादा है और नॉन अफोर्डेबिलिटी गरीब बस्तियों में अगर देखी जाती है तो मेरा हमेशा सोचना है कि उस जगह पे अगर कोई अच्छी जगह मिल जाए मुझे तो मैं वहाँ पे भी उस सुविधा को उपलब्ध करके दूँ। आपके इस नेक काम में एक नहीं बल्कि कई ऐसे बड़ी हस्ती यहाँ पर पहुंचे थे जिन्होंने आपके इस ओपनिंग के लिए, और यहाँ तक कि उन्होंने जानकारी भी है कि हाँ आपका ये तीसरा हॉस्पिटल है जिसकी ओपनिंग की जा रही है, तो कितना अच्छा लगता है जब इस तरह से लोग आकर आपको आपके कार्य की सराहना करते हैं। देखिए, इस तरह की जो व्यवस्था है हमारी वो मेरे अकेले से नहीं चल सकती है, ये हमेशा टीम वर्क रहा है और टीम वर्क को एनकरेजमेंट देने के लिए हमेशा पॉलिटिकल बैकिंग जरूरी होती है। जो हमारे को सुविधा उपलब्ध करके देते हैं, अभी आपने देखा है प्रकाश सुर्वे साहब आए थे, पोटनी साहब आए थे और अनेक यहाँ के लोकल काउंसलर्स आए थे जिन्होंने हमें बधाई दी है, और उनके पास में बहुत गरीब पेशेंट्स जो आते हैं वो रेफर भी करते हैं कि भाई गरीब पेशेंट हमारे पास में सुविधा का उपयोग, पूरा उपयोग ले। जैसा आपने पहले बोला कि हम रोड पे उतरते हैं डंडा लेके या टायर जलाते हैं, वो मुद्दा अलग है लोगों के लिए, वो पूरे पब्लिक को इंसाफ देना, लेकिन अगर कोई भी तरीका अपनाना पड़ा तो अपनाते हैं। और आज जो यहाँ पर संस्था की ओपनिंग हुई है, इसकी तीसरी ओपनिंग है, एक भाईंदर में है, एक बोरीवली वेस्ट में है और एक बोरीवली ईस्ट में आज ओपनिंग हुई है। इसके डायरेक्टर डॉक्टर नरेंद्र जैन है और MM मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये संचालित संस्था है। इसमें आपने अभी देखा होगा कि जो भी यहाँ पे अभी सुविधा के बारे में डिटेल दी गई है वो टोटली बाहर के कंपैरिजन में अगर देखने जाए तो काफ़ी कम है। जो चीज़ें बाहर कई ज़्यादा पैसे लगते हैं उसे कई ज़्यादा कम में यहाँ पर, और उससे भी अच्छी सुविधा में यहाँ पर फैसिलिटी मिल रही है। और यहाँ पर जितनी भी स्लम एरिया हैं, गरीबी है, उनके लिए काफ़ी अच्छी सुविधा ये यहाँ पर होगी और पब्लिक को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इससे।